गाइस वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ है कि अगर हम हाउस का कलर रेड भी करेंगे तो शोरूम भी रेड कलर का हो जाएगा। और रेड कलर का कुछ और भी है गाइस, वो है मेरा सब्सक्राइब बटन। तो इसलिए भाई जाके यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। और वीडियो को भी लाइक कर देना। अभी के लिए हमने हाउस को रेड कर दिया है गाइस, और इसका मतलब हमारा जो कार शोरूम है वो भी रेड कलर का हो चुका होगा। तो ये रहा हमारा कार शोरूम, और हमारे घर को हमने रेड किया इसलिए हमारा कार शोरूम भी रेड कलर का हो जाता है गाइस। तो ये न्यू अपडेट में आया कि जो भी आप अपना हाउस कलर रखोगे वैसा ही आपका कार शोरूम हो जाएगा, लेकिन RGB कलर बस नहीं होता है। और हम देखते हैं कि कहां कहां पे हमारा कार शोरूम जो है वो रेड कलर का हुआ है। तो ये पूरा जो है गाइस पूरा शोरूम रेड कलर का हो जाता है। बस छत और चेक कर लेते हैं। ये देखो छत पे बस हमारा जो कलर है वो नहीं होता गाइस, और हमारे पहले छत पे ना कांच भी लगा था तो वो भी हटा दिया गया है, क्योंकि न्यू कार शोरूम आ चुका है इसलिए पूरा चेंज हो चुका है। तो जो भी हाउस कलर आप अपना करोगे वैसे ही शोरूम हो जाएगा, बस RGB कलर को छोड़ के। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ दिया है हर्षित कुमार ने, और इनका मिथ ये है कि जो हमारे कार का ऑप्शन आता है ना वो मैच होता है हमारे 100 की पुलिस कार से। और अगर आपको भी अपने ही ऐसे मिथ देने गाइस तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ पे आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हो। अब हमारी पुलिस कार आ चुकी है गाइस। अब इसका जो ऑप्शन है ना, इसकी बात हो रही है कि जो ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखो तो उसका जो पूरा डिजाइन है ना जो गाड़ी का, वो सेम हमारी पुलिस कार जैसी दिखती है। अभी आप ऑप्शन को देखो और साथ में कार को देखो तो ऐसी शायद से और कोई कार नहीं गाइस जो इतनी ज्यादा मैच होती है। अगर आप एक एक चीज देखो ना, जो कार का डिजाइन है, जो टायर का डिजाइन है, जो कांच का डिजाइन है, सब गाइस उस ऑप्शन से मैच करता है। और कोई भी कार अगर आप देखोगे ना तो इतना मैच नहीं करता है। जैसे कि ये देखो मैंने ऑडी बुलाई, तो ये देखो ये भी ऑप्शन से वो मैच नहीं करता इसका डिजाइन, है ना। आप बुगाटी बुला लो गाइस, आप कोई सी बुला लो, थार तो वैसे ही मैच नहीं करेगी, ठीक है। लेम्बोर्गिनी बुला लो तो सबसे ज्यादा शायद से भाई यही मैच करती है। और आप भी गाइस कमेंट्स में जरूर बताओ कि कौन सी वो कार है जो सबसे ज्यादा उस ऑप्शन के साथ मैच करती है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ है कि 333 वाली स्कॉर्पियो को अगर हम कलर करेंगे तो उसका गेट चेंज रहेगा। तो बुलाते हैं हम लोग 333 से स्कॉर्पियो क्लासिक को, और करते हैं गाइस इसको कलर, ठीक है। कौन सा कलर करें, देखो येलो ग्रीन ब्लू ये सबसे तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से मिक्स ही होगा। तो अब करते हैं मिक्स कलर, और इसमें आप देख सकते हो कि गेट के दोनों भाई दोनों गेट जो है वो अलग अलग कलर के होते हैं। दोनों भी नहीं, चारों गाइस शायद से। एक सेकेंड, हम लोग पीछे के देख के आते हैं, सामने के देखना कौन से है, वाइट और ब्लैक कलर का है। इस साइड का देखता हूँ, देखो इस साइड वाइट और रेड कलर का है। तो मुझे लग रहा है चारों गेट गाइस चारों गेट अलग कलर में होते हैं भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। रुको ये तो पूरा रेड हो गया, कोई और करते हैं। ये एक है ब्लैक एक है येलो, इस साइड तो मुझे अलग ही दिख रहा है, एक ग्रीन है और दूसरा व्हाइट। तो देखो सारे गेट गाइस अलग कलर के हो रखे हैं। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि JCB में इतने सारे बटन रहते हैं, कोई से भी एक बटन को हम दबाएंगे तो लाइट जली जाती है। तो गाइस JCB बुलाते हैं 6677 से, नाइट मोड करते हैं 9 से। अब बैठते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा कि JCB में लाइट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बटन है, सारे बटन दबा के देखते हैं और देखते हैं कि इसमें लाइट जलती है। वैसे जलती भी है कि नहीं मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तो है ही नहीं, ठीक है। ये आगे पीछे कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, सारे बटन दबा देता हूँ। ये देखो ये जल गई, ये किससे जली किससे जली, अरे मैं क्या बताऊँ मैं। अच्छा हाँ, ये हमारा जो सामने वाला ये बकेट है ना गाइस इससे जली है, ये देखो इससे। इसका जो डाउन वाला बटन है हाँ इससे जलती है, अपर वाला भी नहीं गाइस। जो डाउन वाला है ना, जो लेफ्ट में चार बटन है हमारे, उसमें जो सबसे कोने में नीचे है ना सेकंड रो में डाउन वाला, इससे इससे देखो चालू भी इससे होती है और बंद भी इससे होती है, और कोई सा बटन काम नहीं कर रहा है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हमर कार के साइड का कांच नहीं टूटता है। तो बुलाते हैं हमर कार को 8880 से, ठीक है। अब हम लोग फोड़ते हैं कांच को, ठीक है गाइस। तो पहले कौन सा फोड़े, ये वाला फोड़ते हैं छोटा वाला। ओ ये क्या हुआ भाई, कांच टूटने की आवाज़ आई लेकिन टूटा क्या यहाँ पे, कुछ भी तो नहीं टूटा। देखो ना ये टूटा है ना ये टूटा है, आवाज़ आई लेकिन मुझे ये वाला भी नहीं, सामने वाला भी मुझे लग नहीं रहा टूटा गाइस। ये देखो लेफ्ट वाले भी कोई से नहीं टूटे भाई, आवाज़ कहाँ से आ रही। अच्छा ये तो टूटा है, मतलब ये वाला टूटा, सिर्फ सामने का कांच टूटता है इसके। तो इसके साइड के कांच नहीं टूट रहे हैं, सिर्फ एक ही कांच टूटता है सामने वाला, और कोई सा भी नहीं। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि शोरूम के बाहर ट्रीज लगे हुए हैं। तो मैं आ चुका हूँ शोरूम के पास गाइस, हमारा न्यू शोरूम अपडेट हुआ है, और इतनी अच्छी गाड़ी को ड्रिफ्ट करा सकता है क्या भाई, कोई ये बताओ पहले तो।
वेल डन। इतनी परफेक्ट मैंने घुमा के अंदर कर दी। लेकिन गाइस टॉपिक हमारा ये है कि हमारे शोरूम में ना पहले पेड़ नहीं हुआ करते थे, इस अपडेट में ऐड कर दिए गए हैं, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। और शोरूम से ही चलते अगले दो हमारे मिथ ये हैं कि कार शोरूम में एक कार मिसिंग है और कार शोरूम का पेड़ नहीं टूटता है। तो पहले कार शोरूम में टोटल 6 कार्स खड़ी रहती थी, 3 इस साइड और 3 इस साइड। लेकिन अभी यहाँ पर एक कार मिसिंग है गाइस, और वो कौन सी कार है वो मैं आपको बताता हूँ। लैम्बोर्गिनी 3333 की चीट कोड से आने वाली ये कार पहले खड़ी रहती थी अंदर, लेकिन पता नहीं अभी कुछ ग्लिच हो गया या फिर गलती से ये रिमूव हो चुकी है, लेकिन शायद से ये अगले अपडेट में वापस आ जाएगी। अब हमारा अगला मिथ चेक करते हैं कि ये पेड़ हम लोग तोड़ सकते हैं कि नहीं। अब ये पेड़ मुझे देखने से भाई हमारे घर के पेड़ की तरह लग रहे हैं, तो हो सकता है ये नहीं टूटे। देखा इनके ऊपर तक भाई गाड़ी जाएगी भी नहीं, टच भी हो रही होगी ना तो भी ये शायद टूटेंगे नहीं गाइस। ये वाले पेड़ है ना बहुत ज़्यादा मजबूत रहते हैं भाई, जो स्ट्रीट वाले ना वो तो टूट जाते हैं लेकिन ये टूटते ही नहीं है, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि JCB से बिग डायनासोर को नहीं उठा सकते। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि JCB से हम लोग बिग डायनासोर को मार सकते हैं कि नहीं। तो मैंने इधर इन्फिनाइट हेल्थ लगा ली क्योंकि हमें सिर्फ मारने का देखना था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते गाइस पहले चेक कर लेते। ये देखो भाई मेरी गाड़ी अटक गई है यार, ये बिग डायनासोर का पैर इतना बड़ा है ना कि हमारी JCB जो है वो अटक जा रही है इसके पैर में, निकल ही नहीं रही यार। ये तो पता नहीं कितना बड़ा शरीर है इसका कि ये मुझे कहीं जाने नहीं दे रहा। हल्का सा अभी मैं हिल जाऊँ ना तो ये फिर अटका देता है मुझे अपने पैरों से गाइस। तो मुझे लगता है कि हम लोग यार इसके पैर के चंगुल से निकल ही नहीं सकते, तो फिर हम लोग इसको JCB से मारेंगे कैसे। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता है गाइस कि हम लोग को नीचे उतर के इसके ऊपर 3 RPG फोड़नी पड़ेगी और फिर देखते हैं क्या होता है। भाई यार मेरी JCB फट गई, इसके डिस्पॉन होने से पहले यार जल्दी से मैं JCB बुला लूं और देखते क्या हम इसको उठा पा रहे कि नहीं। चलो चलो जल्दी, मैंने नीचे कर लिया, ठीक है अब इसको उठाते हैं। अरे ये क्या आर पार हो गया गाइस, ये तो आरपा निकल गया बिग डायनासोर के, ये तो टच ही नहीं कर पाएगा, इसको उठाना तो दूर की बात है गाइस, ये तो पूरा ही आरपा निकल जा रहा है। तो मतलब गाइस इसको हम लोग छू भी नहीं सकते हैं, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम लोग पुलिस को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाएं तो पुलिस हमें नहीं मारेगी। और ये भी मुझे बताने गाइस कि पुलिस स्टेशन तो है अभी, लेकिन पुलिस को अगर आप बुलाते हो तो पुलिस स्टेशन के अंदर से नहीं आ रही है, मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर ही पुलिस नहीं हो रही है। एक पुलिस वाला आया तो है मेरे पीछे वैसे, लेकिन ये अंदर आएगा कैसे, इसको अंदर बुलाना पड़ेगा मुझे, फिर हम लोग चेक कर पाएंगे। और भाई कोई कोड आएगा क्या कि हम लोग पुलिस को भाई पुलिस स्टेशन के अंदर ला सकें। तो पुलिस वाला तो आ चुका है मेरे पीछे, अब मैं पुलिस स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ और आप देख सकते हो कि ये मुझे आराम से भाई पुलिस स्टेशन के अंदर मार पा रहा है। और ये भी अंदर आ जाएगा, लेकिन ये ऊपर कैसे आएगा, कोई तो कोड आना चाहिए नेक्स्ट अपडेट में जहाँ पे हमें पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत सारे पुलिस वाले मिले गाइस, ठीक है। तो उसका हम लोग वेट करते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि एयरपोर्ट में हवेली के ऊपर एक निशान है, स्नाइपर से देखो तो वो ग्रास जैसी दिखती है। ये वाला मिथ भी बहुत लोग बोल रहे थे मुझे, तो गाइस मैं आया हूँ यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर और यहाँ मुझे देखना है कहाँ फोटो लगी है इसकी, क्या कोई फैमिली फोटो है क्या भाई, देखते हैं हम लोग। वैसे कोई फोटो मुझे ना ऊपर से दिखाई नहीं दे रही है गाइस, आप भी देखो ध्यान से तो कहीं पे भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन होगी अगर सब लिख रहे हैं तो। इधर कुछ काला काला सा तो दिख रहा है शायद से, ये क्या, हाँ ये फोटो है क्या। एक सेकेंड गाइस पास चलते, कुछ तो यहाँ पे है, किसी बंदे की तरह ही लग रहा है ये। पास आओ गाइस पास आओ, ये देखो ये क्या है भाई, ये क्या है, इसके फैमिली का है क्या कोई, नहीं नहीं ये तो एलियन है गाइस, कोई एलियन लग रहा है ये तो यार, हरे कलर का भाई, ये उसकी तरह लग रहा है, वो स्टार वॉर्स में शायद कोई हरे कलर का रहता है ना वैसा लग रहा है, इंसान तो कहीं से नहीं लग रहा है ये, और ना ही ये घास लग रहा है गाइस, ये लग रहा है किसी एलियन की तरह। अब ये कौन है भाई पता नहीं, शायद हमें फ्यूचर में मालूम चले इसका कोई सीक्रेट, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। तो गाइस वीडियो को जाके यार लाइक कर दो और ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी अगली इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियो देखने के लिए, और कमेंट कर देना नीचे आपके मिस ताकि हम उनको ले अगले मिथ बस्टर्स की वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो आपको देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।